द मास्टर प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग हमारे साथ जो यूपी ट्रिपल एससी के तहत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, और इस प्रैक्टिस सेट में हम सभी 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को देते रहेंगे जिससे कि आपके मन में आंसर बनता रहे, ठीक। तो चलिए पहला प्रश्न है, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है। तो इंसुलिन में कौन सी धातु की मौजूदगी होती है ये बताना है। ऑप्शन के रूप में आपके चारों दिए गए हैं। पहला ऑप्शन टिन, तांबा, जस्ता और एल्यूमिनियम है सभी ऑप्शन। बताइए कमेंट करके फटाफट कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा उसका सी ऑप्शन पहले प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन में जस्ते की जो है मौजूदगी होती है, ठीक। सी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न। और इसमें ऑप्शन के रूप में रेनिन है, ट्रिप्सिन है, सिक्रेटिन है और पेप्सिन है। तो यहाँ पे आपको बताना है, और नोटबुक पेन साथ में रख के रहिए आप लोग। जो प्रश्न को इम्पॉर्टेंट बताया जाए उसको ज़रूर नोट कर लिया करें, क्योंकि ये जो है संभवतः पूछने जाने वाले प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, और तीसरे प्रश्न में है, मधुसूदनी जिसको इंसुलिन कहा जाता है, अंतःस्राव या हार्मोन जो होता है वो क्या है। ग्लाइकोलिपिड है, वसीय अम्ल है, पेप्टाइड है या फिर स्टेराल है। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का। तो यहाँ पे पेप्टाइड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये एक पेप्टाइड है, ठीक। सी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। और चौथे प्रश्न में है, किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह जो है रोग होता है, या जो है हम लोग शुगर कह सकते हैं। तो मधुमेह की जो जो है बीमारी जो होती है, रोग होता है, वो इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट जो है अपना आंसर लिखते रहें भाई, कंजूसी क्यों कर रहे हैं। और लाइक कर दीजिए सेशन को, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी प्रैक्टिस सेट का लाभ मिलता रहे, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पाँचवा प्रश्न, शरीर में अतिरिक्त ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में जो परिवर्तित हो जाता है, तो वो कहाँ पे एकत्रित होता है या भंडारित होता है, अमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में या फिर पित्त में। पांचवें का कौन सा सही हो जाएगा, तो ये यकृत में भंडारित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। बहुत अच्छे, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का श्रावण करती है। इसका तात्पर्य है कि वो कौन सी ग्रंथि है जो दूध के उतारने या निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का श्रावण करती है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन पीयूष ग्रंथ है, जो है ग्रंथि है, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका जो है पहला राइट आंसर हो जाएगा। इसी को मास्टर ग्रंथ भी कही जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी को किसने खोजा था। जेसी मेंडल, हेकल, सर रोनाल्ड रॉस ने या फिर रावर ने, डावर है, यहाँ पे डार्विन होना चाहिए था, ये डार्विन होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज सर रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, अगले प्रश्न पे है, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग को सभी को मालूम है। तो मलेरिया जो है और डेंगू जो है, इसमें दोनों में उभयनिष्ठ क्या नहीं है। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है, और डेंगू जो होता है वो मच्छर से होता है, लेकिन ये दोनों जो है मच्छर की प्रजातियों से उभयनिष्ठ नहीं होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मच्छर की प्रजातियाँ उभयनिष्ठ नहीं होती हैं।
नेक्स्ट पे चलेंगे नवे प्रश्न की तरफ, और नवा प्रश्न आपका सेम मिल गया है। यहाँ पे देखिए पहले ही पढ़ दिए थे मलेरिया और डेंगू, तो यहाँ देखिए पूछा गया है कि कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि प्रोटोजोआ के द्वारा क्या होता है, मलेरिया होता है, इसमें सोचने की बात नहीं है, इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं दसवें प्रश्न पे। दसवां प्रश्न है बीएमडी परीक्षण किसके लिए किया जाता है, गठिया के लिए या फिर अस्थिरता के लिए या फिर अस्थि मलेशिया हेतु, इनमें से कोई नहीं, दसवीं का बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अस्थिरता के लिए इसको मना जो है इसका परीक्षण किया जाता है। ठीक, बी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर के प्रश्नों पे। और 11 नंबर का प्रश्न में पूछा गया है कि बीमारी पता करने की यंत्र जो होती है जिसको MRI कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए 11वें का इसका तात्पर्य जो है MRI का, इसका तात्पर्य यह होता है कि चुंबकीय रोजोनेंस चित्रीकरण होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा इस प्रश्न का। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और सिलिकासिस एक क्या होती है, गुर्दा से संबंधित बीमारी है या कृत्रिम से संबंधित बीमारी है या फिर फेफड़े से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट है अवस्थित तंत्रिका है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के रूप में आप इसको नामित कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिलिकासिस एक जो बीमारी होती है वो फेफड़े से संबंधित बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, इसका कारण क्या है ये बताना है। जीवाणु इसका कारण है, रोटा वायरस इसका कारण है या फिर अमीबा कवक क्या कारण है इसके, ये बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, जिससे उनको भी प्रैक्टिस सेट का लाभ मिलता रहे। तो चलिए फटाफट शेयर कर दीजिए सेशन को, और इस प्रश्न का आंसर भी कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे। तो यहाँ पे 200 शिशुओं की बात किया गया है और वो भी अतिसार से मरने वाले, तो ये रोटा वायरस होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इससे अतिसार से जो संबंधित है वो रोटा वायरस है, ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा होता है। तो यहाँ देखिए सेम, यहाँ मस्तिष्क की बात किया गया है और मेरुरज्जु की बात किया गया है। ठीक, तो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर जो यानी सरदर्द जो होता है हल्का से, उस पर एक हल्की सी सूजन आ जाती है, पर एक परत चढ़ जाती है, उसी को कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये मेनिनजाइटिस होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मेनिनजाइटिस ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, भोजन के विषाक्तता का कारण क्या है, यानी कि भोजन जो है वो विषैला क्यों हो जाता है, इसका कारण बताना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, 15वीं का देना है। बी ऑप्शन देखिए, सलमन नीला बैसिलाई जो है इसी के कारण भोजन जो होता है हमारा खाना जिसको कहते हैं वो विषाक्त होता है, यानी विषैला हो जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अच्छा प्रश्न था, नेक्स्ट पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, भोजन का विषाक्त होना जिसको बॉटुलिज्म के नाम से जानते हैं, इसको विषाक्त होना या बॉटुलिज्म भी कह सकते हैं, किस स्पीसीज के प्रदूषण से उत्पन्न होता है। तो ये जो है सी ऑप्शन देखिए, इसमें लिखा है क्लोस्ट्रिडियम के स्पेसिफिक प्रदूषण से ये उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, DPT का टीका किसके काम नहीं आता है ये बताना है। DPT का टीका किसके काम नहीं आता है, डिप्थीरिया, पोलियो, काली खांसी और टिटनेस। इसमें तीन के लिए DPT का टीका लगाया जाता है, बट एक के लिए नहीं लगाया जाता है, वही पूछा गया है कि किसके काम में नहीं आता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा 17 का। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है। तो यहाँ जो सही होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए होता है। अच्छा ठीक, क्लियर हो गया, बी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैला है तो उसे क्या कहते हैं, पेंडेमिक, एपिडेमिक या फिर
एंडेमिक या फिर एपिजूटिक्स। तो यहाँ पे 118 माफ कीजिए 18वें प्रश्न का आंसर जो होगा वो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसको पेंडेमिक के नाम से जानते हैं या पेंडेमिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? 119 का ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा गोल्डन आवर। देखिए ध्यान से, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर संबंधित भाषा दिया गया है तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे गोल्डन आवर का तात्पर्य है हृदयाघात से। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। लंबे समय तक उपवास रखने का सबसे अधिक प्रभाव जो है शरीर के किस अंग पर पड़ता है? कोई भी यदि लंबे समय तक उपवास रखता है तो शरीर जो प्रभावित होता है, उस जो शरीर का कौन सा अंग होता है जो प्रभावित होता है? हृदय है, आँख है, फेफड़े हैं या फिर गुर्दे हो जाएंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गुर्दा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जो सबसे अधिक समय तक उपवास रखने में प्रभावित होता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है, यानी कि जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा इसमें नहीं है ये बताना है। तो इसका पहला ही ऑप्शन जो ये एड्स है, ये HIV वायरस के कारण होता है, और ये जो है ये वायरस के होता है ना कि जीवाणु से। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है किस प्रकार से करता है? मच्छर के काटने से, दूषित भोजन की तथा जल से, थूक से या फिर कुत्ते के काटने से? 22 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो दूषित भोजन तथा दूषित जल से पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्षय रोग TB के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन सही होगा, यानी टीबी के परीक्षण में जो विशिष्ट परीक्षण होता है वो मेटाक्स का परीक्षण होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे ऊपर देखिए बी ऑप्शन में बिडाल का परीक्षण दिया गया है, तो बिडाल परीक्षण जो होता है वो टाइफाइड के लिए किया जाता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। फंक ने किसका आविष्कार किया था, विटामिन का, हार्मोन का, प्रोटीन का या फिर एंजाइम का? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसको लिख लीजिएगा। नोटबुक और पेन साथ में आप लोग रखे ही हैं, इसको नोट करिए फटाफट। चलिए, तो इनके द्वारा यानी फंक के द्वारा जो आविष्कार किया गया था वो विटामिन का आविष्कार किया गया था। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे इसी के साथ चलते हैं। अगला प्रश्न में है, यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? चलिए, वसा है, अंतःस्राव है या फिर प्रोटीन है या विटामिन होगा? अंतःस्राव किसे, अंतःस्राव एक मिनट, सहायक आहार किसे कहा जाता है ये बताना है। तो यहाँ पे ये विटामिन जो होते हैं इसे सहायक आहार कहा जाते हैं। और अब मैं जो है ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, केवल क्वेश्चन को पढ़ूंगा और आप लोग ऑप्शन को पढ़ के फटाफट आंसर बताएंगे, मैं केवल आंसर को बताऊंगा। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन आपके स्क्रीन में है, कमेंट बॉक्स में फट से आंसर बताइए और थोड़ा तेज़ी के साथ हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा यानी कि प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक जो होती है वो वसा में होती है। ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही होगा। और बात करते हैं कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है, तो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम वसा में होती है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है, और इसमें पूछा गया है कि सब्जियों में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है, तो कौन सी सब्जी है? मिर्च है, कुम्हड़े है या फिर टमाटर है, मूली है? तो इसमें ये मिर्च जो होता है इसमें सबसे अधिक विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी ये पूछ सकता है आपसे कि विटामिन, अच्छा इसी प्रकार से प्रश्न बना सकता है कि हमारे शरीर में जो है हमारा शरीर किसका श्रवण करती है, किस विटामिन का श्रवण करती है,
एक मिनट, श्रवणी विसर्जन करती है, उत्सर्जन कह सकते हैं, तो उत्सर्जन का तात्पर्य होता है कि निकाल देती है, तो ये विटामिन सी को निकाल भी देती है हमारा शरीर, ये ध्यान रखिएगा। और विटामिन ए जो है उसका जो है स्टोर करती है, लेकिन क्या स्टोर करती है अभी हो सकता है क्वेश्चन आपको मिले आगे, क्योंकि मैंने जो है इसको देख रखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बट ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेब हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं, किसके स्रोत होते हैं ये बताना है। चलिए चलते हैं 28 नंबर के प्रश्नों पे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें केवल पोटेशियम मौजूद होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या आंत में जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होना होता है, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए। 29 का नंबर पहला ही सही हो जाएगा, यहाँ पे आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित जो होता है वो विटामिन B12 होता है, जिसको कोबाल्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, या मिल गया, देखिए ये प्रश्न जो है आपको मिल ही गया, मैंने जो बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, विटामिन ए तो भंडारित होता है लेकिन कहाँ पर होता है ये बताना है, यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में, या फिर बिक में। तो ये यकृत में इसकी जो है स्टोरी यानी भंडारित होता है, ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे अधिक प्रोटीन मात्रा में होती है चने में, टमाटर, मटर में, सोयाबीन में, गेहूं में, प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किस में पाई जाती है, तो ये जो पाई जाती है वो सोयाबीन में पाई जाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सोयाबीन के बाद इसका जो आएगा दाल आएगा, जो भी दाल हो, वैसे अरहर की दाल जो होती है उसमें ही होता है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछता है सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन की मात्रा किस में पाई जाती है, चारों दालों के नाम दे देते हैं, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, अरहर हो गया, मसूर हो गया, तो उसमें चूज करना होता है, तो आप लोग जो है वो अरहर की याद रखिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और इसके सोयाबीन के साथ मूँगफली भी होती है, दूसरे नंबर के साथ मूँगफली ही आती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं, तो बाल से जो बाल जो बनता है उस प्रोटीन का नाम है केराटिन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, केराटिन नामक प्रोटीन से हमारे बाल का निर्माण हुआ है। ठीक, ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, गेहूं रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है, 33 नंबर का पहला ऑप्शन सही होगा, ग्लूटिन नामक जो गुण होते हैं इसका, यही जो है गेहूं से रोटी बनाने का गुण को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर पहला है ग्लूटिन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पालक के पत्ते में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, विटामिन है, आयरन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है। पालक के पत्ते की बात किया गया है, तो यहाँ पे पालक का पत्ता जो होता है वो हरी सब्जियों में या पत्तेदार सब्जियों में इसका वो होता है, क्या कहते हैं, काउंट होता है, तो हरीदार पत्तेदार सब्जियों में जो होता है उसमें क्या पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में, आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आयरन देखिए लिखा है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस फसल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यही अभी मैंने आयरन की बात की ना, तो आयरन हो या लौह हो बात एक ही है, जामुन है, करौंद है, लुकाठ है, अमरूद है, तो यहाँ पे करौंद जो होती है इसमें सबसे अधिक मात्रा में, ये फल है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऊपर जो दी गई थी सब्जी थी। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, करौंदा। नेक्स्ट पे चलेंगे, मानव शरीर के अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा होता है, लोहा है, सोडियम है, फास्फोरस है, या कैल्शियम होगा, तो मानव के शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो तत्व होता है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, कैल्शियम की मात्रा हमारी या मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे है, मानव के या मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितनी जोड़ी होती हैं, जो पसली होती है मनुष्य के शरीर में उसकी कितनी जोड़ी होती है ये बताना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए कमेंट करके आप लोग बताएंगे इसका आंसर फटाफट, और नोटबुक में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा, 12 जोड़ियाँ पसलियाँ मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं, यानी कि कह सकते हैं एक दूध का दांत जो होता है वो पहले निकलता है, तो वो अस्थायी दांत होते हैं, और टूट करके जब वो गिर जाते हैं तो उसके बाद अस्थायी दांत का निर्माण होता है, और इन दांतों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है यही बताना है। तो जो बाल्यावस्था में कह सकते हैं 6 से 8 साल के मध्य, 6 से 7 साल के या 5 साल से शुरुआत हो जाते हैं, वो संख्या 20 होती है, या 20 दांत जो होते हैं ये अस्थायी दांत होते हैं, और ये टूट करके
जो है अस्थायी दांत के रूप में जो इनका निर्माण होता है उनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पे। स्तनधारियों में श्वसन जो होता है वो किस कहाँ से होता है? कुलोम द्वारा, श्वासनली द्वारा, त्वचा द्वारा, या फिर फुफ्फुस या फेफड़े द्वारा। फुफ्फुस को ही फेफड़ा कहते हैं। आप लोग कंफ्यूज होते होंगे तो ध्यान रख लीजिएगा, फुफ्फुस को ही फेफड़ा कहा जाता है। 39 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा। ये फुफ्फुस या फेफड़े के द्वारा स्तनधारी जो होते हैं, जैसे हम लोग जो मनुष्य हैं या व्हेल मछली भी जो है, ब्लू व्हेल, वो भी स्तनधारी है, चमगादड़ भी स्तनधारी है, सब कहाँ से अपना श्वसन करते हैं? तो ये फेफड़े के द्वारा करते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्तनधारी का तात्पर्य होता है जो अपने बच्चे को जन्म दो और दूध पिलाए, वही स्तनधारी होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय में जो है कितने कक्ष होते हैं? वैसे यहाँ पे सभी जीव जंतु के अलग अलग हृदयों में कक्ष होते हैं, बट यहाँ पे हमें जो लेना है वो मनुष्य के हृदय से लेना है, ठीक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? वो 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य बताना है, तो हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। आरएच कारक का नाम संबंधित है, एक प्रकार के ये क्या है? कपी हैं, मानव हैं, बंदर हैं, या फिर चूहे हो जाएंगे? आरएच बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए। और ये भी ऊपर वाला भी 41 नंबर 42 नंबर दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पे 42 नंबर का ऑप्शन जो सही होगा, पहला ही ऑप्शन कपी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? वैसे रक्त तो जो होता है वो क्षारीय होता है, और क्षारीय जो इसका क्या कहते हैं, उदासीन विलयन का या रक्त पीएच मान होता है वो 7 होता है, लेकिन क्षारीय होने पर इसकी संख्या जो है बढ़ती जाती है, और अम्लीय होने पर घटती जाती है। तो मेन जो है मध्य का 7 होता है, 7 के बाद जब क्षारीय होता है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो रक्त हमारा जो है वो किस प्रकार का है, कैसा है? क्षारीय होता है। तो यहाँ 7.4 इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षा जिसको अस्क्रमता के रूप में जानते हैं का संबंधित का सबसे अधिक संबंध किससे होता है? प्रतिरक्षा, और ये हमारा जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं ये प्रतिरक्षा का या एक का कह सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड के रूप में भी ये काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है ये बताना है। 44 नंबर का ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, लिम्फोसाइट से इसकी सबसे अधिक संबंधित होती है। पहला ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न पर। डायलिसिस किससे संबंधित है? चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए डायलिसिस आप लोग नाम सुनते हैं, लेकिन ये आपको थोड़ा मैं डिटेल के साथ बता देता हूँ। डायलिसिस जो होता है वो जैसे कि हमारा हृदय जो मतलब कह सकते हैं कि जो खून की पंपिंग जो करता है वो जब कमज़ोर हो जाता है, नहीं कर पाता है, तो बाहर के मशीनों के द्वारा इसको कराया जाता है, यही डायलिसिस कहलाता है। तो ये जो संबंध है ये किससे संबंध है? ये विक्र से संबंध है, ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया डायलिसिस का मतलब, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यकृत का कार्य क्या है? लाइपेज है, यूरिया है, श्लेष्मा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? 46 नंबर का। तो यहाँ पे ये यूरिया जो होती है यही यकृत का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम बताना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए वसा का जो पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है, प्रोटीन का जो पाचन होता है, यह अलग अलग एंजाइम के रूप में इनका पाचन किया जाता है। तो हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन किसके किस एंजाइम की सहायता के द्वारा होता है ये बताना है 47 नंबर में। तो ये ट्रिप्सिन नामक एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है, ये एंजाइम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? कुष्ठ रोग है, टिटनेस है, मीजल्स जिसको खसरे कहते हैं ये है, या फिर हैजा हो जाएगा, 48 नंबर। तो ये एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं होता है, वो बीमारी है, मेजल्स खसरा इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन संक्रमक बीमारी नहीं है? एड्स है, छोटी आंत है, गलसुआ है, पीलिया होगा, 49 नंबर का।
तो यहाँ पे डी ऑप्शन पीलिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन संक्रमण ये बीमारी नहीं होती है, बाकी सभी यहाँ पे संक्रमण यानी वायरस से होने वाली बीमारी है, बट पीलिया जो है ये जीवाणु जीवाणु से होने वाले रोग है, ठीक ध्यान रखिएगा। चलिए बी डी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? चलिए ऑप्शन बताइए आप लोग, कौन सा सही होगा 50 नंबर का। तो बीसीजी का टीका, इसका तात्पर्य यह है कि जन्म के तुरंत बाद जो है इसको दे देना चाहिए। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है तो किसके रोग, किस कारण से कुष्ठ रोग हो जाता है? जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा या फिर प्रोटोजोआ के द्वारा? 51 नंबर में पहला ऑप्शन सही होगा, ये जीवाणुओं के द्वारा कुष्ठ रोग होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य कौन नहीं है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? इसमें ऑप्शन आपके स्क्रीन पर चारों दिख रहे हैं, बताइए फटाफट कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 52 नंबर में इसके उद्देश्य के विषय में बताना है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही होगा, सुधारीकृत उत्पादन तकनीकी का निदर्शन जो होता है यही इसमें इसका उद्देश्य नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन जो दिए गए हैं इसका उद्देश्य होता है, ठीक। तो यहाँ याद रखा गया ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे कोलेस्ट्रॉल क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल जो होते हैं उसी को हम लोग कोलेस्ट्रॉल के रूप में जानते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला है, एनोसीमिया किसे कहते हैं? तो यहाँ संवेदन में कमी जो होती है उसी को एनोसीमिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो अवस्थित है कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? 55 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, और इसको इम्पॉर्टेंट के रूप में आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है ये स्थित है आपके आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर पहला है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, दिन का दौरा किस कारण से होता है? यहाँ पे दिन लिखा है, दिल होना चाहिए, दिल का दौरा पड़ता नहीं है, आदमी का चक्कर आता है, गिर जाता है, यही इसी को कहते हैं दिल का दौरा, ठीक। तो यहाँ पे दिल का दौरा होना चाहिए, दिन लिखा गया है, इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, किसके कारण होता है? तो ये हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा वो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब हृदय में रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है तो ये समस्याएं होने लगती हैं। अगला प्रश्न है, कालाजार का संचार किससे होता है? काली मक्खी से, सिकता मक्खी से, या फिर चिंचड़ी से, या फिर मच्छर से? कालाजार बीमारी जो है ये किससे होता है? तो ये सिकता जो मक्खी है इसी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, एड्स एक बीमारी है और ये जो है एचआईवी वायरस के कारण ये फैलता है। विषाणुओं के लिए सबसे ज़्यादा यानी कि एड्स विषाणु जो होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो यहाँ पे जीरोबोडीन AZT जो नामक दवा है ये सबसे ज़्यादा इसमें आजमाई जाने वाली दवा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरल गलगंड यानी जिसको घेघा रोग कहा जाता है इसको प्रभावित करने वाली बीमारी कौन सी है? तो गलगंड जो होता है ये गले में होता है, गला सूजकर थोड़ा मोटा हो जाता है, तो ये थायराइड ग्रंथि के कारण होता है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर के बाद चलते हैं 60 नंबर पे, काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं ये बताना है। कैंसर है, प्लेग है, एड्स है, मलेरिया है? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। और ये काली मौत जो होती है ये चूहों से फैलने वाली बीमारी जो होती है उसी से होती है। आप लोग को मालूम हो गया कि चूहे से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो ये प्लेग नामक बीमारी है। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 61 नंबर पे। 61 नंबर पे प्रोटीन जो ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या होता है? बाल छह जिसको मार्मस कहते हैं, या फिर बाल वक्र या रिकेट्स जिसको कहा जाता है, वेरी बेरी, बालहारू या फिर बल्क चार्म? 61 नंबर का ऑप्शन आपको बताना है।
तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो पहला ही ऑप्शन है इसका, बालक्षय मरासमस जिसको कहा जाता है, यह प्रोटीन की कमी से होता है और यह बालकों में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है, खून को, फेफड़े को, दिल को, या इनमें से किसी को नहीं। चलिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ही है, बताइए फटाफट कौन सा आंसर इसका होगा। और ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। थैलोसीमिया ये वंशानुगत बीमारी है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है। तो ये किस में होता है, मास्टर नंबर में बताना है, तो ये खून में होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है पहला राइट आंसर होगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। इसमें क्या होता है, खून का थक्का, जो खून कहीं कट जा फिट जाता है या कहीं छिल जाता है, तो खून जो निकलता है ये इसका थक्का जो है नहीं बनता, ये बहता ही रहता है, ठीक। ये सबसे खतरनाक बीमारी है, भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष तक कुष्ठ रोग उन्मूलन की कार्य योजना तैयार की गई है? तो कुष्ठ रोग उन्मूलन यानी कुष्ठ रोग को खत्म करने की कार्य योजना कब तक तैयार की गई है ये बताना है। 17 तो बीत ही गया है, 18 तो बीत ही गया है, 25-30 में से दो ऑप्शन आपको चूज करना है। ऐसे ही आप लोग परीक्षा में भी ऑप्शन को हटा करके जो ऑप्शन बचते हैं उसमें आसानी से चूज कर सकते हैं, जो प्रश्न नहीं आते हैं। और जो आ ही रहे हैं, क्लियर हैं, वो तो अलग बात है। यहाँ पे भी ऑप्शन अच्छा, हाँ एक प्रश्न, एक मिनट और, ये पुराना प्रैक्टिस सेट जो हम लोग साफ करें इसमें भी ऑप्शन दिया गया है, 2018 में इसका उन्मूलन कार्य की योजना की गई थी और वो भी समाप्त हो गया, ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार वर्ष 2025 तक कुल प्रजनन की दर किस स्तर तक लाने का लक्ष्य रखा गया है? 17 से 25 तक यहाँ पे बात किया गया है, तो इसका लक्ष्य जो रखा गया है वो 2.1 लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, 2 वर्ष या उससे ज़्यादा अवधि तक स्तनपान के साथ ही पूरक आहार देने से बच्चों को बचाव जो हो सकता है वो कौन सा है? अतिसार है, पेचिस है, निमोनिया है, सभी है, इसमें सभी जो हैं बचाया जा सकता है। जब माँ का स्तन पान किया जाता है तो इसमें सभी, जैसे अतिसार हो गए, पेचिस हो गए, निमोनिया हो गया, आदि बीमारियों से बचाया जा सकता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पे है, कौन सा विषाणु जनित रोग है? एड्स है, चेचक है, पोलियो है, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। 66 नंबर का ऑप्शन डी सही होगा, इसमें उपरोक्त सभी इसमें भी सही हो जाएंगे, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसमें विषाणु जनित रोग सभी हैं। अगला प्रश्न है, पोलियो के टीका की खोज जॉन साल्क ने की थी जबकि मुख से ली जाने वाली ड्रॉप की खोज किसने की थी? यानी कि जो दो बूंद मुंह में पिलाया जाता है पोलियो का ड्रॉप, वही जो है वैक्सीनेशन का कार्य करती है, वही यहाँ पे पूछा गया कि मुंह से लिए जाने वाली ड्रॉप की खोज किसने की थी, ये बताना है। 67 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा, पहला ऑप्शन अल्बर्ट सेबिन ने जो है इसकी खोज की थी, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे साल्क, जॉन साल्क के द्वारा पोलियो के टीका का निर्माण किया गया था, याद रखिएगा। जब पूछा जाएगा आपके पोलियो के टीके का निर्माण या खोज किसने की थी, तो जॉन साल्क। लेकिन जब यही पूछा जाएगा अगले तरह से कि मुख में दी जाने वाली ड्रॉप की खोज किसने की, तब आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, अल्बर्ट सेबिन के द्वारा ये किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, खसरा का कारण क्या है? खसरे को ही मीजल्स के रूप में जानते हैं, ये भी जानते हैं आप लोग, तो यहाँ पे ऑप्शन भी सही होगा, मार्बेली वायरस जो होता है यही खसरे का कारण होता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा, मार्बेली वायरस। नेक्स्ट पे है, टेरामाइसिन का इंजेक्शन किसे दिया जाता है? गलसुआ के लिए, खसरे के लिए, छोटी माता के लिए, ट्रेकोमा के लिए। देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन देखें, ट्रेकोमा जो है ये आँख से संबंधित बीमारी है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। पूछाता है कि ट्रेकोमा जो होता है ये किससे संबंधित बीमारी है, तो ये आँख से संबंधित बीमारी है, पहले ही मैं बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर गलसुआ से संबंधित इंजेक्शन है ये, टेरामाइसिन जो नामक इंजेक्शन है, ऑप्शन नंबर पहला है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनिसेफ का सप्लाई प्रभाग कार्यालय कहाँ पे स्थित है, यानी यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये बताना है, सीधा सीधा ऐसे ही पूछिए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर पहला कोपेनहेगन में इसका मुख्यालय है, ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बच्चों का हिंसा से बचाव पोषण बाल श्रम के विरोध में HIV एड्स और बच्चों के अधिकारों के संवैधानिक संघर्ष के लिए काम कौन करता है?
तो बच्चों या गर्भवती महिलाओं से जो संबंधित संस्था है, ये जो कार्य करती है, इसे इसका नाम जो है ये यूनिसेफ है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जितने भी दिया गए हैं, जैसे बच्चों से हिंसा से बचाव के लिए, पोषण के लिए, बाल श्रम के विरोध के लिए, या HIV एड्स के लिए, बच्चों के अधिकार के मौलिक संघर्ष के लिए, ये सभी काम जो यही करती है, ठीक, ये संस्था करती है यूनिसेफ। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? पूरे भारत की यहाँ पे बात किया गया है, ना कि यूपी में, ध्यान रखिएगा। यूपी का अलग है अपना आंकड़ा, और यहाँ पे भारत का आंकड़ा अलग है। तो यहाँ पे जो पूरे भारत में, यानी संपूर्ण भारत में शिशु मृत्यु दर की आंकड़ा है, वो 104 है। ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, RU-406 गर्भपात की एक रीति है जिसमें दो गोलियाँ दी जाती हैं, दूसरी गोली से गर्भाशय में रक्तस्राव शुरू हो जाता है, इसके बाद कितने घंटे में गर्भपात हो जाता है, ये बताना है। 73 का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ये 6 से 7 घंटे के अंदर गर्भपात होना शुरू हो जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो है UR-420, ये एक रीति है, दवा कह सकते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा, पहला ही सही था, मैंने पहले ही बता दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, कुछ घंटे स्तनपान न किए जान जाए तो स्तन दूध से भर जाता है। चलिए ये तो ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे समय हाथ से स्तन दबाकर दूध निकाल लेना चाहिए, नहीं तो संक्रमण का डर रहता है। बहुत अच्छा, सही प्रश्न है। तो यहाँ पे ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन आगे लिखा गया है, यह निकला हुआ दूध कितने समय बाद तक बच्चों को दिया जा सकता है। अच्छा, उसको अगर मान लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो बच्चों को कितने समय तक इसको दिया जा सकता है, अन्यथा ये अपने आप में ही एक संक्रमण हो जाता है। तो यहाँ पे इसका जो समय सीमा है, वो समय सीमा 1 से 2 घंटा केवल है, बाकी उसके बाद खराब हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाए, 1-2 घंटे भी इसको दे देना चाहिए बच्चे को। नेक्स्ट पे चलते हैं, ऐसा कब होता है जब बच्चा जो है अपने मुंह से जो है क्या कहते हैं स्तन के दूध को नहीं खींच पाता है या नहीं निकाल पाता है, तो ऐसा जो है किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1-2 घंटे सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, किस स्तर तक के अतिरिक्त चाप बिना दवाइयों के भी काम कम जो है किए जा सकते हैं, रक्तचाप जिसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो यहाँ पे 75 का ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। 180/110 जो होता है, या 180/110 जो होते हैं, इसके मध्य बिना जो है दवाइयों के भी कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त रक्तचाप एक जानलेवा बीमारी है, इससे बचने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? तो इससे बचने के लिए सभी, जैसे तेल, घी, शक्कर या सीमित, इनका जो है सीमित प्रयोग करना चाहिए, हरी सब्जी, फल, नींबू प्रयोग करना चाहिए, पानी का सेवन करना चाहिए, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, गर्भाशय शस्त्र क्रिया के अंतर्गत होने वाले दुष्परिणाम क्या होंगे? 77 का, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। जैसे कि पेड़ों में संक्रमण के कारण दर्द करना, या बीजांड निकल जाने पर हार्मोन की कमी होना, तो सी ऑप्शन सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न लेते हैं, पहले एक प्रसव के समय महिला की उम्र किस वर्ष से अधिक हो तो कुछ खतरा का संभव रहता है, यानी कि महिला की उम्र जो है, और वो भी गर्भवती महिला अगर है, तो उससे उसकी उम्र कितने से कम होती है तो सबसे अधिक जो है खतरे का संभव होता है, ये बताना है इसमें। 20 वर्ष, 18 वर्ष, 30 वर्ष। तो यहाँ पे 30 वर्ष जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, अब वो भी पहले परसों की बात किया गया है। तीस वर्ष से उम्र अधिक हो तो ये खतरा बनता है, ठीक, कम होना होता होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, वही हमने सोचा कि 30 उम्र कैसे हो जाएगी। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, चिकनगुनिया क्या होता है? 79 का, चिकनगुनिया किसे कहते हैं? तो चिकनगुनिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो विषाणु जन्य बुखार होता है उसी को चिकनगुनिया के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसमें भी बुखार ही होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सर्पदंश के सामान्य लक्षण, यानी कि सांप के काटने का सामान्य लक्षण क्या होता है? सुस्ती या निहुराना, लड़खड़ाना या भारीपन, श्वसन के समय तकलीफ, इनमें से कोई नहीं। तो सांप के काटने से ये जो सभी लक्षण दिए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरे पत्तेदार सब्जी, दाल, रागी, सूरजन के पत्ते आदि का प्रयोग किसके निदान के लिए किया जाता है?
अच्छा प्रश्न है, हरे पत्तेदार सब्जियां, दाल, ये सभी जब मिल रहा है तो किसके लिए किया जाता है, आपको मालूम ही हो गया होगा। तो ये किया जाता है एनीमिया के लिए, एनीमिया का तात्पर्य है जब खून की कमी हो जाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका जो है भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये अक्सर जो है जिसके ब्लड की कमी होती है वो लोग करते हैं, या फिर गर्भवती महिलाओं को अक्सर ये सब दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, पीसीबी कितने घंटे बाद होनी चाहिए जो बच्चों को निमोनिया, मेनिक यटिस और कनड़ई से बचाता है। तो इसकी इसको जो किया जाना चाहिए वो 7 हफ्तों के अंदर कर लेना चाहिए। ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे, अच्छा हाँ ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, टीकाकरण के समय बच्चों को किस बीमारी का डोज दिया जाता है। जब टीकाकरण किया जाता है तो बच्चों को किसकी डोज दिया जाता है, विटामिन बी सी ए के, तो यहाँ पे के विटामिन ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और विटामिन ए का रासायनिक नाम बताना है कमेंट बॉक्स में, और विटामिन ए से होने वाली बीमारी का नाम भी आप लोग को बताना है। चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दे देंगे। 84 नंबर के प्रश्न को लेते हैं, तो यहाँ पे इसमें लिखा गया कि डिंब निकलने के कितने दिन पहले और बाद में हम यौन संबंध टालकर निषेचन को रोक सकते हैं। 84 में ऑप्शन नंबर पहला है इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो तीन दिन में इसको टालकर निषेचन को रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, जैसे कि अनवांटेड 72 कह सकते हैं, ये सब आदि जो है गोलियां भी होती हैं तो 72 घंटे के अंदर ये सब इसको निष्क्रिय कर देती हैं। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ब्राउन शुगर क्या होता है। ब्राउन शुगर आप लोग नाम सुने हैं ब्राउन शुगर का, लेकिन आज जान लेनी क्या होता है ये। तो ब्राउन शुगर जो होता है ये मेथीड्रिन होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, इसको मेथीड्रिन के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए अगला, एंटीबॉडीज क्या है, 86 एंटीबॉडीज क्या है ये बताना है। तो एंटीबॉडी जो है ये ग्लाइको प्रोटीन होता है, ग्लाइको प्रोटीन इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है, रोगावस्था, संक्रमणी कार्य की उग्रता, या फिर मैलिग्नेक्सी, लैंसी कह सकते हैं, या फिर लक्षणों का समूह कह सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपके स्क्रीन पर ही है, 87 का ऑप्शन जो सही होगा वो डी ऑप्शन, लक्षणों का समूह जो होता है इसी को सिंड्रोम का अर्थ कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, बुपेरेरिया बैनक्राफ्टी के द्वारा क्या होता है, मलेरिया होता है, फाइलेरिया होता है, कालाजार होता है, या फिर कैंसर होता है। बुपेरेरिया बैनक्राफ्टी, ऐसे ऐसे बीमारी, ऐसे ऐसे नाम होते हैं, तो इसके कारण फाइलेरिया होती है। फाइलेरिया क्या है, फाइलेरिया में पैर जो होता है ये हाथी के पाँव जैसा हो जाता है, यानी मोट सूज कर जो है मोटा हो जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाइसोजाइम उपस्थित होते हैं, किसमें उपस्थित होते हैं ये बताना है। चलिए फटाफट बताइए आप लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों, 88 और 89 दोनों। तो यहाँ पे लाइसोसोम जो उपस्थित होते हैं इनकी उपस्थिति लार में होती है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह औषधि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS के कार्य को कम करता है, तो ये अफीम होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, शिशुओं को माता से प्लेसेंटा यौन दूध द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा क्या कहलाती है। 91 नंबर का ये प्रश्न जो है बताना है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा, निश्चेष्टा प्रतिरक्षा ये कहलाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। इसी के साथ अगला है, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर कौन सा होता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कैंसर तो मनुष्य को होता ही है, लेकिन कौन सा सबसे अधिक होता है। देखिए कैंसर के भी अनेक प्रकार होते हैं, लेकिन कौन सा सबसे अधिक होता है ये बताना है। 92 का तो यहाँ पे जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, हाँ डी ऑप्शन इसका, कार्सिनोमा जो नामक कैंसर है ये सबसे अधिक मनुष्यों में होती है। डी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न है, अंकोलॉजी किसका अध्ययन करता है। अंकोलॉजी तो ये अभी ऊपर के प्रश्न में हम लोग देख ही ले, कैंसर, इसमें कैंसर का जो है अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है पहला सही हो जाएगा, अंकोलॉजी कैंसर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है,
हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर क्या होता है? 94, हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर जो होता है उसको क्यूलेक्स के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिस्टोसोका का मध्यस्थ पोषक क्या होता है? घोगा है, मच्छर है, मक्खी है, भेड़ है। 95 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, सिस्टोसोका का मध्यस्थ पोषक भेड़ होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोग को टॉक्सिन के श्रावण से संबंधित है। रोग जो टॉक्सी के श्रावण से संबंधित है ये बताना है। 96, तो ये संबंधित है टिटनेस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, दर्दनाक औषधि, दर्दनाक का या दर्दनाशक कह सकते हैं, दर्द को जो हर ले वो कौन सी औषधि है, या फिर इसको पेन किलर इंग्लिश में कहते हैं। 97 का ऑप्शन नंबर सी, माफ कीजिए सी नहीं होगा। यहाँ पे दर्द से मुक्ति दिलाने वाली जो दर्द हरने वाली या दर्दनाशक जिसको कहते हैं, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, थकावट से थोड़ी दर्द से होगा। नेक्स्ट है, रिस्ट्रिक्शन विकार क्या होते हैं? 98 में रिस्ट्रिक्शन विकार क्या होते हैं? तो इसमें बी ऑप्शन, एंडोन्यूक्लिएज जो होते हैं यही रिस्ट्रिक्शन विकार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, पीसीआर विधि किसके लिए आवश्यक है? तो पीसीआर विधि जो होती है ये डीएनए संवर्धन में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो सबसे आवश्यकता इसकी पड़ती है यहाँ पे। इसी के साथ अगला प्रश्न है और ये प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। एलिफेंटेरिस का कारक कौन सा है? ये एक बीमारी है या विकार कह सकते हैं, तो इसका कारक क्या है ये बताना है। तो इसका कारक जो है वो चुचेरिटी है। ऑप्शन नंबर सी इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चुचेरिटी ही इसका कारक है। ऑप्शन सी सही होने के साथ यहाँ पे हम लोग 100 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। आप लोग के कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए और इसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।